हाय ऑल, कैसे हो आप सब। आज मैं बना रही हूँ कद्दू की कड़ी, आपको ये बहुत पसंद आएगी। एक बार मेरे कहने पे जरूर ट्राई करना। सबसे पहले मैंने लिया कद्दू, जो कि मुझे ज्यादा तो नहीं बनानी थी क्योंकि हम दो जन थे घर पे, तो मेरे को थोड़ी ही बनानी थी, इसलिए मैंने कद्दू को टू पीसेस में कट करके हाफ मतलब हाफ ही मैंने बनाना था। तो उसको अच्छे से मैंने पील कर दिया, पील करने के बाद उसको कट वट कर दिया एंड वॉश कर दिया। फिर उसके बाद मुझे इसके लिए करना था तड़का रेडी। तड़का रेडी करने से पहले मैं आपको ये चीज बोलूंगी कि प्लीज अगर आपको मेरी ये कद्दू की कड़ी पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो उसके बाद क्या था कि मैंने इसके लिए प्याज काटना था, जो कि बारीक काटना था, बिल्कुल पतला पतला। तो मैंने कट करने के बाद इसमें जो तेल जाएगा वो बिल्कुल कम क्वांटिटी में जाएगा, तो इसमें ज्यादा तेल ऐड नहीं करना है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी, मतलब पहले ग्रीन चिली नहीं डालूंगी, ग्रीन चिली के साथ बनाऊंगी क्योंकि मैं रेड पाउडर चिली कम यूज करती हूँ, तो ग्रीन चिली का अपना फ्लेवर होता है मेरे अकॉर्डिंग। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, इसको कच्चा कच्चा ही रखना है। हाँ, एक दो बार इसको मतलब अच्छे से मिक्स करना ऑयल में। उसके साथ के साथ ही मैंने इसमें कद्दू और चिली ऐड कर दी है एंड इसको भी अच्छे से पकाना है। और साथ के साथ इसमें मसाले डाले, मसाले कुछ ज़्यादा नहीं जाएंगे इसमें। इसमें नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए एंड हल्दी उतनी ही डालनी है जिसमें इसका कलर आ जाए, ज़्यादा हल्दी भी नहीं ऐड करनी है इसमें। एंड इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, वो है कसूरी मेथी। आपको कसूरी मेथी डालनी है दो चम्मच, छोटे छोटे दो चम्मच, टीस्पून, ठीक है। अच्छे से इसको मतलब मिलाना है कसूरी मेथी डाल के। और जब तक ये कद्दू पक रहा है तब तक मैंने दही में पानी ऐड करके उसमें दो चम्मच बेसन ऐड कर रहे हैं फॉर थिक कंसिस्टेंसी। एंड साथ जब कद्दू पक जाएगा तो साथ ही साथ इसमें जो मैंने दही का जो लस्सी बनाई थी उसको भी ऐड करना है और उसको अच्छे से बॉयल करना है। और तब तक इसको मिक्स करते रहना जब तक इसमें खुद उबाल ना आ जाए। और जब इसमें खुद उबाल आ जाए तो आप इसको मिक्स करना छोड़ दीजिए और 5 मिनट लो फ्लेम पे इसको पकने दीजिए। आई होप आप मेरे कहने पे एक बार ट्राई करना, सीरियसली इतनी टेस्टी बनती है ना। इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर लेना और खाना चपाती के साथ, वाह मजा आ जाएगा।